हमने डिस्कशन की थी नाउल फीचर्स अवेलेबल इन इंटरनेट डेट आ वेरी यूजफुल फॉर यू डाटा बेटा वेन वी ट्रांसफर डाटा वोज यू आर सेंडिंग एन ई मेल यू फिल यर्ड तो जो आपके पास वेबसाइट है दैट इज सेव इन सर्वर एंड यू आर यूजिंग यूर कंप्यूटर इट मीन यू आर ए क्लाइंट तो कंप्यूटर ऑलवेज वर्क क्लाइंट सर्वर इनवायरमेंट क्लाइंट सर्वर इनवायरमेंट में क्या होता है कि आपके पास मेन सर्वर मेन कंप्यूटर कहीं और पड़ा हुआ है

आपने सीबीएसई की साथ में अपने डेट ऑफ बर्थ फिल किया रिजल्ट देखने के लिए लॉग इन होगा तो जो आपका रिजल्ट कार्ड सीबीएसई के सर्वर में सेव है वो आपके कंप्यूटर में आ गया

मस्ट बी एनक्रिप्टेड तो आई है अगर डेटा आपका हैक हो जाए तो वो रीडेबल फॉर्मेट में ना हो क्लियर तो आपके पास जो न्यू टेक्नोलॉजी है प्रेजेंट टाइम में इफ यू आर यूजिंग एनी बैंकिंग वेबसाइट और वेरी इंपॉर्टेंट वेबसाइट ई मेल वेबसाइट टेक्नोलॉजीबल uh, इसमें क्या है कि आपके पास क्लाइंट और सर्वर में आपके पास एक सिक्योर सिस्टम स्टेब्लिश होता है जो आपका डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाके सर्वर में सेव होता है क्लियर तो इट्स फॉर सिक्योर सर सॉकेट लेर इट इज ए स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इट इज एक प्रोटोकॉल जैसे आप एच टी टीपी यूज करते हो इट इज ए प्रोटोकॉल ये बैक में वर्क कर रहा होता है व्हेन यू आर यूजिंग एच डी पी एस इन बैक एंड वर्क कर रहा होता है सर्वर टू क्लाइंट इट इज इन दी फॉर इनक्रिप्टेड फॉर्म और ये इनक्रिप्टेड फॉर्म कौन कर रहा है एस एस एन

फॉर डी आई आई एम राइटिंग ईके फॉर आई आई एम राइटिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर आर देयर डिफरेंट कंपनी की अपनी ही इनक्रिप्शन होती है अब आप कहोगे की एक बार डेटा इनक्रिप्ट हो गया सर्वर के पास चला गया फिर वो डिक्रिप्ट कैसे होगा क्योंकि सर्वर में तो वो डिक्रिप्टेड पड़ा होगा अदरवाइज आप रीड नहीं कर सकते जिस की से इसे की कहते हैं जिस प्रोग्राम से डाटा इज इनक्रिप्टेड विद सेम प्रोग्राम डाटा इज डिक्रिप्टेड सो दीज आर कॉल्ड कीज ओके व्हेन यू सपोज दिस इज माय करेक्ट माय डाटा जो इनक्रिप्टेड डाटा है जिस इज इनक्रिप्टेड डाटा जो जो प्लेन टेक्स्ट है उसे सिफर टेक्स्ट टेक्स्ट कहते हैं कौन सा टेक्स्ट है सिफर टेक्स्ट यस सी आई सी ठीक है सिफर टेक्स्ट सो दिस इज अ टेक्निकल टर्म्स एंड प्रेजेंट टाइम आने वाला जो टाइम है बिकॉज़ मैक आपके जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आओगे उस टाइम अभी इतने आपके पास साइबर क्राइम है और उससे में कितने साइबर क्राइम होंगे क्योंकि एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन ठीक है अभी आपने सुना होगा देयर इन

सपोज तीन चार दिन वो ट्रेवल कर रहा है उसको uh, उसके मैसेज देने के लिए और रास्ते में कोई uh, उसको मिसहेपनिंग होती है तो वो उसका लेटर को पढ़ ना सके तो इनक्रिप्शन uh, आज का एक टॉपिक नहीं है बहुत पुराना कंसेप्ट है इनक्रिप्शन का तो नेक्स्ट इज यू सेफ प्रोटोकॉल्स वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि एच ये सेफ प्रोटोकॉल है तो वी शुड यूज सेफ प्रोटोकॉल फॉर डेटा सिक्योरिटी इन डेटा ट्रांसमिशन in Data transmission means data movement from one side to another side. Uh, okay students, uh, एक और concept है। uh, CBSE has introduced one uh, program that is called Innovation Ambassador. वो क्या कर रहे हैं कि uh, different schools के five teachers को वो trained कर रहे हैं कुछ चीजों के बारे में। रीजन ये है कि इंडिया में प्रेजेंट टाइम में चाइना एंड इन यूएसए मैक्सिमम पेटेंट पेटेंट क्या होता है कि इज एक्सक्लूसिव राइट सपोज मैंने एक मेडिसिन बना दी या सपोज एक कोविड की मेडिसिन बना दी कि कोविड एक दिन में खत्म हो रहा है अब वो पूरे वर्ल्ड में सपोज मैंने बनाई है पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है अगर मैं उसका पेटेंट ले लूं तो उसमें बनाने में जो भी मटेरियल यूज होगा दी मेथड टू मेकिंग दैट इज एक्सक्लूसिव राइट ऑफ क्रिएटर मैन्यक्चर और द इनर तो एक्सक्लूसिव राइट होगा उसके पास तो मेरे पास ये राइट होगा कि मेरा जो मैंने जो मैथड यूज किया है कोई यूज नहीं कर सकता अगर आप वो करोगे तो यू है uh, uh, तो इंडिया में सबसे कम पेटेंट इंडिया में होते हैं इसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट एंड रिसर्चर रिसर्च कर लेते हैं न्यू कर लेते हैं पेटेंट नहीं होता तो क्योंकि उनके बारे पेटेंट के बारे में पता है नहीं कि पेटेंट होता कैसे है करना कैसे होता है तो सीबीएसई इज गिविंग ट्रेनिंग रिगार्डिंग दी टीचर्स टीचर्स विल फर्दर गिव दी ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स कि व्हाट इज पेटेंट पेटेंट होता कैसे है करना कैसे होता है पेटेंट उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और uh, आपके पास प्रॉपर्टी राइट right क्या है इंट्रेक्टिव प्रॉपर्टी राइट आगे हम डिस्कस भी करेंगे इसके रिगार्डिंग ठीक है तो पेटेंट इज ए एक्सक्लूसिव राइट

प्लानिंग अब प्राइवेट कंपनी को भी वो उन्होंने देने शुरू कर दिए अदरवाइज इंडियन रेलवे के बाद एक्सक्लूसिव राइट के ऊपर मोनोपली राइट मोनोपली राइट का राइट right. so, right. so, right by the government to an inventor giving the owner the exclusive right for making using selling एंड इन invention, uh, invention for a limited period तो so, वो आपके पास जो इसने invention की है

तो जो एलईडी या एलसीडी है इसके ऊपर पेटेंट नहीं है ठीक है।, है इसके ऊपर कॉपी है कॉपी राइट किस को स्विफ्ट करता है इंटरनल वर्किंग इज सेम बट आउटर लुक इज डिफरेंट दिस इज कॉल्ड कॉपी राइट ठीक है राइट राइट ऑन योर ऑन योर मॉडल ठीक है जो हम आपने मॉडल बनाया है, उसके ऊपर राइट ठीक है तो अगर आपके पास दो प्रोडक्ट कभी सिमिलर नहीं होंगे आपको आ, ये अगर आपने जिस समय फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस बाय एप्पल कंपनी एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट सैमसंग कंपनी कॉपी दैट शेप ओके देयर टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोड्यूस स्मार्टफोन तो उसके बाद नियर अबाउट देयर वाज ए वेरी लॉन्ग लीगल प्रोसीडिंग खत्म uh, 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 so, किया था तो आपके पास ये कोई ओरिजिनल वर्क है जिसके ऊपर मॉडल है जिसके ऊपर आपका राइट है फॉर एग्जाम्पल आई मैंने एक बुक लिखी है कॉपी राइट ठीक है के ऊपर कोई भी बुक लिख सकता है पर जो मैंने लिखा है वो उसके ऊपर मेरा राइट है ये बुक्स के पर भी हो सकता है किसी ने कोई मूवी बनाई है ठीक है आप एक्जैक्टली exactly वैसे मूवी कैसे बना सकते हो ठीक है तो उसके ऊपर उसका जो डायरेक्टर का प्रोड्यूसर का कॉपी राइट होगा क्लियर तो इट योर ओरिजिनल वर्क सो कॉपी राइट इज ऑलवेज ऑन ओरिजिनल वर्क एंड फॉर दिस वी यूज ए सी एंड देन सर्कल इज से क्लियर हो गया नेक्स्ट वाई दीज आर इन योर इन योर सिलेबस यू मस्ट नो वट इज द मीनिंग ऑफ पेटेंट वट इज मीनिंग ऑफ कॉपी राइट

ट्रेडमार्क इज ऑन एनी लोगो और वर्डिंग सपोज एक कंपनी है एस उनकी अपनी एक uh, लाइन होगी वर्ड्स होंगे ठीक है ऐसी डेल का होगा तो कोई भी साइन जो किसी कंपनी को रिकॉननाइज करता है दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क क्लियर ऐसी डिफरेंट you can easily differentiate the product uh, the company so this is trademark clear and on car model there is a copyright okay and if uh, only one company can manufacture car it's called patent but patent handy car can patent okay so the trademark it it is a recognizable sign design or expression which distinguish the product or service of a particular trader from this similar product or service of a other trader so the differentiate career this is a product of a Hyundai company this is a product of a uh, suzuki company this is a product of a tata company okay now another is that there is one term ipr intellectual property right present time now uh, we know that uh, there is a land there is a building and uh, for land there is a registry and registry if registry is in your name so you are the owner and on uh, nobody can uh, say that this is this uh, this property is not belong to you but okay? this is right but these things are physical things present time, सॉन्ग ओके okay? uh, uh, आपने एक पोइम कंपोज़ की है या एक आपने बुक लिखी हुई है या आपने एक पेंटिंग बनाई है अब ये राइट ऐसे राइट है जो फिजिकली नहीं होते वो एक आइडिया है ठीक है दिस इज एन आइडिया पोइम आपकी आपके फीलिंग्स है ठीक है आपने एक बुक लिखी आपके आइडियाज हैं ठीक है आपने एक आ, फिल्म बनाई आपका आइडियाज है इफ एनी बडी इज यूजिंग दैट इट इज इीगल okay for this ipr term is given intellectual property right a, property that is not physically exist theek hai maine ek film banayi meri cd hai cd mein film ji wo apka physical nahi hai usko koi bhi copy kar sakta hai i suppose i am making one software ms word hi le lete hain example le lete hain तो एम एस वर्ड कोई भी दूसरा कॉपी कर सकता है उसकी उसकी कोडिंग कहीं हो सकता है लीक हो जाए उसको कॉपी कर ले क्योंकि

Suppose, बुक लिखी हुई है मेरी वर्ड्स पढ़े हुए हैं डिजिटल ज्यादा इसलिए मैंने वर्ड यूज किया पहले प्रे, तो आप बुक लिखते थे प्रेजेंटली यू आर टाइपिंग एवरीथिंग ठीक है तो डिजिटल रीजन इज इफ आई एम मेकिंग समिंग क्रिएटिव ठीक है आई स्पेंड द मनी आई स्पेंड माई टाइम इन रिसर्च वर्क एंड आफ्टर दैट अनदर पर्सन कॉपी दैट आइडिया अभी भी इंडिया में होता है बॉलीवुड मूवी uh, को आप कॉपी कर लेते हो पर दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ दिस इज इलीगल और वो उस कंट्री का जो भी डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है वो लीगल प्रोसीडिंग uh, कर सकता है ठीक है तो ये सबसे पहले इंकरेजमेंट होती है की, कि इफ आई एम मेकिंग समिंग दिस इज माई वर्क एनकरेजमेंट ठीक है सेकेंड वन इज इफ यू प्रोटेक्ट आई पी आर न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीडी अगर मुझे किसी ने मेरा आइडिया कॉपी कर लेना क्या बनाना मैंने यस yes, बेटा ठीक है नेक्स्ट इज इट प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन नेशनल इकोनमी ठीक है फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया टोटली पायरेटेड होती है ठीक है अब इन माइक्रोसॉफ्ट कंपनीज गिविंग सम रिस्ट्रिक्शन कि जैसे ही प्रोडक्ट परचेज होता है उसे समय विंडो भी ओरिजिनल हो ठीक है अग, जब आपके पास सॉफ्टवेयर uh, पैरेटेड नहीं होंगे तो कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा इट विल बी इंक्रीज ओके सो दैट्स वाई आईपीआर मस्ट बी प्रोटेक्टेड इफ दी जनरेट रेवेन्यू इट मीन्स न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी देयर न्यू टेक्नोलॉजी विल बी डेवलप So that's why IPR must be protected. Next is plagiarism. That, that is a uh, very common problem in India. Plagiarism is whenever, uh, suppose a teacher assigned a project work and what we, we do, copy the data from internet based in ms word and create a project work so this is called plagiarism copying the idea of another person is called plagiarism okay so plagiarism uh, so there are some examples plagiarism using some other authors work without giving credit to another तो इफ सपोज आई एम राइटिंग वन बुक सो आई एम कोपिंग दी टू थ्री पेजेज फ्रॉम एंड टाइप ऑफ क्रेडिटिंग एट दॉटम अगर आपने देखा होगा कि जितनी भी फॉरन uh, की बुक्स होती है उसकी बॉटम में ना यहाँ पे एट द बॉटम ऊपर की तरफ नंबर लिखा होता है जैसे किसी पैराग्राफ के साथ लिख दिया वन नीचे लिखा होता है दिस इजन फ्रॉम दिस बुक ठीक okay. है it means they are giving the credit to the original creator but in India we are doing the plagiarism without any type of credit it means if I am not giving credit it is plagiarism if I am giving credit I am saying this this is the work of this person so this is not a plagiarism so when we include the other works without okay, without any credit this is called plagiarism next is

or credit up not anyway and you are using the work this is called again plagiarism giving incorrect source of information you are getting the idea and in place of uh, giving the credit to the person original person you are saying this is a uh, this is taken from the website like this ticket okay? incorrect information about the creator original creator next is failure in giving credit to the uh, for the contribution you are not giving the uh, credit so this is a all of these are the example of a plagiarism now next is how you can avoid plagiarism simple is disclose the source of uh, information in your work okay whether you have taken this from uh, uh, wikipedia or uh, you have taken the from any website or any book simply write the source in every project there is one acknowledgement आपने देखा होगा कि अभी आप आ, इन क्लास नाइन्थ में अपने अगर यहाँ प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसमें एक हर एक प्रोजेक्ट के अंदर एक एकजमेंट एट दीन्स यू आर गिविंग थैंक्स फॉर फॉर ठीक है दिस थैंक मे बी टू एनी पर्टिकुलर किसी जहां से अपनी इंफॉर्मेशन ली है सो दैट इज एक्नोलेजमेंट सो इट इज जस्ट लाइक ए क्रेडिट तो हेयर इज Uh, you must mention the source of uh, information next is include the quotation of another person uh, actual work means if uh, you are taking the words from another person to give uh, 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 uh use double quotes it means you are taking the words from others okay if you have any paragraph double quotes it means that it is a, not your original work these words are taken from work of another person क्स्ट इज फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट द लॉजिक थिंक अबाउट योर रीड दिंक देन क्रिएट योर ओन ठीक है आप किसी भी कंसेप्ट के ऊपर आप ऐसे नहीं पैराग्राफ उठा लो पहले उस पैराग्राफ को समझो या ऑथर यासन क्या क्या आइडिया क्या है ठीक है आफ्टर दैट थिंक अबाउट दिस और अपना वर्क क्रिएट करो नेक्स्ट इज Uh, use a तो का मतलब यहाँ पे है कि आपके पास कोई भी अगर आपके पास uh, कई ऐसे सॉफ्टवेयर uh, अवेलेबल होते हैं जो आपका वर्क को अगर आप वहां पे टाइप करो तो आपको बता देंगे तो इफ यू हैव एन आइडिया ऑफ प्लेगरिज्म नो वट इज प्लेग्रिज्मिव दोलमेंट ठीक है थर्ड वन इज Uh, when you are getting the work from another person, using double quotes, okay. These are the some uh, you can say. Uh, in this way, you can avoid plagiarism. Next is just like a IPR, there is a new term, digital property right. Why? Reason is if you are making any movie, okay.

सर्वर क्लाउड क्लाउड में कहीं पे भी सेव है ठीक है ऑन दैट डी पी आर एप्लीकेबल डिजिटल प्रॉपर्टी राइट ओके सो डिजिटलेशन अबाउट यू आर क्रिएटेड बाई यू दैट इज इन ए डिजिटल फॉर्म इधर ऑन ऑनलाइन और ऑन एनी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस मे बी इन पेन ड्राइव मे बी इन सी डी मे बी इन यूर गूगल ड्राइव सो दिस इज योअर वर्क Your information. It means if any anybody, anybody uh, 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 use that uh, information, that is a uh, and come under DPR digital property right. It means that digital information is your information. So examples are any online personal account. This is uh, your email ID is there, your data is there, your files are there. This is a your personal uh, account. Then social networking account.

नेक्स्ट टाइम इफ आई विल गेट एनी पीरियड आई विल डिस्कस ठीक है कि ब्लॉक्स कैसे बनते छोटे छोटी चीजें होती हैं जैसे ये देखो ब्लॉक्स नेक्स्ट टाइम आपको दिखाऊंगा एक uh, मैंने अपना भी ब्लॉक क्रिएट किया हुआ वो भी आपको दिखाऊंगा ठीक है तो दिस आर कम अंडर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट so you have a legal right if any person break this uh, uh, thing you can take a legal proceeding now next is the time is uh, almost over so we will discuss something uh, some terms are more here so i'm closing the meeting